माई चैनल पिकलेस म्यूजिक, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम लोग ये वाला गाना ही करेंगे, इक तेरा बाई मानिंदर भुट्टर, ठीक है। तो इसका हम कॉर्ड सीखेंगे, टैप सीख लेंगे और इंट्रो वाला पार्ट भी सीखेंगे और स्ट्रमिंग भी देख लेंगे। तो इस सॉन्ग में बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो मैं धीरे धीरे सब पार्ट आपको एक्सप्लेन करूँगा और आप ये वाला वीडियो लास्ट तक देखना ताकि आपको आसानी से सब कुछ समझ में आ जाए। तो अगर आपको ये वाला लेसन अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक करना, ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और उस बेल आइकन को भी क्लिक कर लेना ताकि मेरे रेगुलर अपडेट सबको मिलते रहे। तो चलिए आज के लेसन अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कॉर्ड्स की ओर बढ़ते हैं, फिर हम स्ट्रमिंग देख लेते हैं और थोड़ा सा जो फिंगर पिकिंग है वो भी हम सीख लेते हैं। तो सबसे पहले जो कॉर्ड्स आपको जानना चाहिए ये वाला गाना प्ले करने के लिए, वो पहला कॉर्ड है आपका ई माइनर कॉर्ड, आप ऑन स्क्रीन डायग्राम देख लो। जो दूसरा कॉर्ड लगेगा होगा हमारा ए माइनर कॉर्ड, सिंपल कॉर्ड। जो तीसरा कॉर्ड लगेगा होगा हमारा सी मेजर कॉर्ड। और जो लास्ट और आखिरी कॉर्ड है दैट इज द डी मेजर कॉर्ड। तो ये चार कॉर्ड्स आपको आने चाहिए ये वाला गाना प्ले करने के लिए। तो सबसे पहले हम सिंगल डाउन स्ट्रोक से स्टार्ट करेंगे ऑन ई माइनर, जहाँ पे वो वाला इंट्रो म्यूजिक बज रहा है। उसके बाद ए माइनर, फिर आपका सी मेजर, फिर आपका डी मेजर, ठीक है। और इसके बाद वाला पार्ट में थोड़ा सा फिंगर प्लकिंग हम यूज कर सकते हैं लाइक दिस। पे क्या हो रहा है देख लेते हैं हम विद द हेल्प ऑफ अवर फिंगर्स थोड़ा सा प्लकिंग करेंगे। यहाँ पे ई माइनर पकड़ेंगे और फिर जो मैं स्ट्रिंग्स नंबर बोल रहा हूँ ऊपर से नीचे आपका 6-1 होता है, ठीक है, 6-5-4-3-2-1। तो फिर हम ई माइनर पकड़ेंगे और प्ले करेंगे 6-5-3-2, ठीक है, 6-5-3-2। फिर हम चले जाएंगे ए माइनर में और प्ले करेंगे 5-4-3-2। फिर सी मेजर पकड़ेंगे और प्ले करेंगे सेम स्ट्रिंग्स नंबर 5-4-3-2। और फिर हम प्ले करेंगे डी मेजर पकड़ के 4-3-2-1। तो फिर ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसे नॉर्मल प्ले कर सकते हैं, थोड़ा सा म्यूट इफेक्ट भी हम दे सकते हैं जैसे मैंने प्ले किया था लाइक दिस, देखो। तो ये वाला करने के लिए आपको मैं सिंपली बता रहा हूँ कैसे करना है। आप जब ई माइनर पकड़ रहे हैं और फिर 6-5-3-2, जब आप 2 प्ले किए तब क्या करना, प्ले करने के बाद अपना जिस तरह आप प्ले कर रहे हो, सपोज पिक से प्ले कर रहे हो तो पिक से, या फिर फिंगर से प्ले कर रहे हो तो फिंगर से, थोड़ा सा प्ले करने के बाद टच कर लेना वो वाला स्ट्रिंग, तो फिर म्यूट हो जाएगा, देखो, ठीक है। तो फिर ठीक है, इसके बाद हम ए माइनर पे भी सेम चीज कर सकते हैं लाइक दिस 5-4-3-2। तो फिर हम ऐसे कर सकते हैं, या फिर हम जो कॉर्ड पकड़ रहे हैं ना लेफ्ट हैंड में उसका प्रेशर भी हम हटा के म्यूट कर सकते हैं लाइक दिस। जब हम प्ले कर रहे हैं 5-4-3-2 प्ले करने के बाद अपना लेफ्ट हैंड से प्रेशर हटा दो, फिर म्यूट हो जाएगा, देखो। यहाँ पे मैं इस उंगली से कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, टच नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप अगर लेफ्ट हैंड से कर सकते हैं या फिर राइट हैंड से भी कर सकते हैं आपका ऊपर, अगर आप राइट हैंड से करोगे तो फिर ऐसे सुनाई देगा, ठीक है। फिर सी मेजर कॉर्ड में भी सेम कर सकते हैं। तो आखिर वाला जो नोट है उसको म्यूट करना है, अगर हम लेफ्ट हैंड से प्रेशर उठाए तो फिर, ठीक है। और फिर डी मेजर में 4-3-2-1, ठीक है, ठीक है। तो अगर आपको फिंगर पिकिंग में प्रॉब्लम हो रहा है तो फिर आप ये वाला स्ट्रमिंग भी यूज कर सकते हो, देख लो। तो ये क्या हो रहा है, डाउन अप चक, डाउन अप चक, डाउन अप चक, ठीक है। तो फिर
on E minor, down upchuck, down upchuck, down upchuck, down upchuck, ठीक है? अगर आपको finger picking में difficulty हो रही है, तो फिर आप ये वाला strumming use करना, ठीक है? चलिए अभी स्ट्रमिंग पैटर्न की ओर बढ़ते हैं। तो स्ट्रमिंग मैंने चक वाला यूज़ किया है, आप चाहे तो नॉर्मल स्ट्रमिंग पैटर्न भी यूज़ कर सकते हैं, मैं उस पर आपको बता दूंगा। आप चाहे तो विथ टैप भी यूज़ कर सकते हैं, मैं तीनों आपको बता रहा हूँ। देखो पहला विथ चक है, डाउन डाउन अप चक, डाउन अप चक, डाउन अप, डाउन डाउन अप चक, डाउन अप चक, डाउन अप, डाउन डाउन अप चक, डाउन अप चक, डाउन अप। तो फिर डाउन डाउन अप चक, डाउन अप चक, डाउन अप, डाउन डाउन अप चक, डाउन अप चक, डाउन अप, ठीक है? अगर आप विद टैप प्ले करना चाहते हैं, मतलब बाय स्लैपिंग योर थंब ऑन द टॉप स्ट्रिंग्स ऑफ द गिटार, ये आपका टैप होता है, तो फिर डाउन डाउन अप टैप, डाउन अप टैप, डाउन अप, डाउन डाउन अप टैप, डाउन अप अप टैप, डाउन अप, मतलब आपका चक जहाँ पे है वो रिप्लेस हो जा रहा है आपका टैप से, ठीक है? और अगर आप नॉर्मल स्ट्रमिंग पैटर्न प्ले करना चाहते हो, तो जो नॉर्मल स्ट्रमिंग पैटर्न है वो आप ए वाला ले सकते हो। देखो डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप, ठीक है? तो इन तीनों स्ट्रमिंग पैटर्न में से आप कोई भी स्ट्रमिंग पैटर्न यूज़ कर सकते हो। और जो यहाँ पे हो रहा है आपका कॉर्ड जो ब्रेक हो रहा है, पहले आपका ई माइनर और ए माइनर में स्ट्रमिंग पैटर्न ब्रेक हो रहा है, और फिर आपका सी मेजर और डी मेजर में ब्रेक हो रहा है। तो फिर ये वाला कैसे ब्रेक हो रहा है देख लो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम ई माइनर पे प्ले कर रहे हैं, डाउन डाउन अप चक, डाउन डाउन अप चक, और फिर हम शिफ्ट कर रहे हैं ए माइनर में और प्ले कर रहे हैं रेस्ट ऑफ द स्ट्रमिंग पैटर्न, दैट इज डाउन अप अप चक डाउन अप। तो फिर सिमिलरली ऑन सी, डाउन डाउन अप चक, और फिर डाउन अप अप चक डाउन अप ऑन डी। तो फिर अगर हम टोटल देखें, तो फिर ठीक है, आपका ऐसा स्ट्रमिंग पैटर्न पहला वाला पार्ट में ब्रेक हो रहा है, ठीक है? तो चलिए अभी टैप सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। तो टैप रिलेटिवली बहुत ही इजी है, क्योंकि यहाँ पे एक ही लाइन बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है? तो मैं आपको सिखा दे रहा हूँ। तो पहले हम इंट्रो की ओर बढ़ते हैं। तो इंट्रो प्ले करने के लिए हम स्टार्ट करेंगे अपना फिफ्थ फ्रेट ऑन द बी स्ट्रिंग से। तो मैं एक एक पार्ट प्ले करूँगा, उसके बाद आप ऑन स्क्रीन टैप्स को देख लेना और धीरे धीरे मेरे साथ बजाना। तो इंट्रो कुछ इस तरीके से जाएगा, आप टोटल क्या हो रहा है देख लेते हैं धीरे धीरे और एक बार। फिर सेवन ऑन ई, ठीक है, और फिर ठीक है, तो आप ऑन स्क्रीन टैप्स को देख लेना। उसके बाद जो गाना स्टार्टिंग होगा वो होगा आपका सेवन फेट ऑन द ई स्ट्रिंग से, और वो कुछ इस तरीके से जाएगा। तो फिर यहाँ पे क्या हो रहा है देख लेते हैं, ठीक है, ये वाला पहला वाला पार्ट हो गया। यहाँ पे देख सकते हो कि नोट्स रिपीटेड हो रहा है, और जो अगला वाला पार्ट है वो इस तरह से जाएगा, तो फिर
ठीक है। ओके फ्रेंड्स, दैट वाज द फाइनल लेसन। अगर आपको ये वाला लेसन अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करना, ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और उस बेल आइकन को भी क्लिक कर लेना ताकि मेरे रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहे। और अगर आपको इस सॉन्ग में कोई भी डिफिकल्टी हुई है या फिर कोई सॉन्ग सजेशन है तो फिर आप मुझे कॉमेंट कर सकते हो कॉमेंट सेक्शन में। और अगर आप लोगों ने मुझे अब तक इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है तो आप जाके वहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, वहाँ से आप लोग मुझे कुछ रिक्वेस्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम हैंडल्स का, ठीक है। तो फिर चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो पे। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।